subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भुसावळ रेल्वे मैदानावरती ऑल इंडिया एससी आणि एसटी रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशन भुसावळ मंडळ द्वारा आयोजित विश्वरत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 दिनांक 10 मार्च 2019 पासून सुरू झालेली असून आज दिनांक 17 मार्च 2019 रोजी क्रिकेट टूर्नामेंटचा आजचा अंतिम सामना रंगल्यानंतर बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. ऑल इंडिया एससी आणि एसटी रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशन भुसावळ मंडळाच्या या क्रिकेट टूर्नामेंटचे यंदाचे चौथे वर्ष असून या टूर्नामेंट मध्ये विविध ठिकाणावरून आलेल्या 32 टीमने आपला सहभाग नोंदवला. गेल्या 7 दिवसांपासून चालू असलेल्या या टूर्नामेंटचे सगळे सामने यशस्वीरित्या खेळाच्या उत्साहात पार पडले. अखेरीस झालेल्या सेमी फायनल मधून 2 टीम अंतिम सामन्यासाठी फायनल झाल्या. यात पहिली टीम इलेक्ट्रिकल आणि दुसरी टीम मनमाड असून अंतिम सामन्यात टीम इलेक्ट्रिकल विजयी झाली. यानंतर पार पडलेल्या बक्षीस वितरण समारंभात प्रथम विजेत्या टीमला 21,000 रुपये रोख आणि ट्रॉफी तर दुसऱ्या सेकंड रनरअप टीमला मनमाडला 11,000 रुपये रोख आणि ट्रॉफी असे बक्षीस मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी या आयोजित टूर्नामेंटचे आणि विजेत्यांचे भरभरून कौतुक केले. या फायनल बक्षीस वितरणासाठी श्री सिनियर डीपीओ, श्री सिनियर डीएमई, श्री सिनियर डीईई, एपीओ स्पोर्ट ऑफिसर, मंडळाचे सचिव आरसी रावत, मंडळाचे कार्याध्यक्ष सुधीर जंजाळे आणि मेकॅनिकल टीमचे प्लेयर विशाल खरे, संजू ठाकूर, नदीम जावेद, अभिमन्यू राकेश, महेंद्र सपकाळे, अमित आशिष, दीपक प्रदीप माळी, विक्की, अखिलेश ऐश्वर्य यांची प्रमुख उपस्थिती होती. संपूर्ण 7 दिवसीय टूर्नामेंट पाहून जुन्या आठवणी जागृत झाल्या असे उपस्थित अधिकारी वर्गाने आय विंडोज महाराष्ट्रशी बोलताना आपल्या प्रतिक्रियेतून म्हटले आहे. यहाँ पे जो विजेता हुए कैसा लग रहा है आज? आप यहाँ पे बहुत दिनों के बाद में खिलाड़ी खेलते हुए दिखते हैं और वो टाइम में आप खेलते थे, कैसा लगता है आपको आज? बहुत बढ़िया लग रहा है. इनकी एनर्जी और इनकी टेक्निक देखकर बहुत अच्छा लगा. काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और रेल संचालन में इसका बहुत अमूल्य योगदान है. और जो खिलाड़ी, उन्होंने कुछ बदल करना चाहिए खेलने में, वो टाइम के खिलाड़ी और अभी के खिलाड़ी में? नहीं, खिलाड़ी अभी के मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करते हैं, मॉडर्न जो खेल के साहित्य उसको यूज़ करते हैं, इसलिए खेल का गुणवत्ता भी बढ़ी है. टूर्नामेंट का आयोजन आपके तरफ से किया जाता है, इस बार क्या खासियत आपको देखी यहाँ पे? सर, इस बार जो है टूर्नामेंट में लगभग 37 टीमों ने भाग लिया और पूरा लगातार सभी टीम ने एंजॉय किया और अच्छा खेल भावना का प्रदर्शन किया. और आज पिछली बार जो विजेता थी मैकेनिकल टीम, इस बार जो है हमारी इलेक्ट्रिकल जनरेट की टीम विजेता रही है, साथ में रनर अप मनमाड की टीम रही और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को प्रदर्शन हमारे सामने आया. एक एक वो एक मैच में 5-5 विकेट झटकने वाला मनमाड का क्या नाम था, नरेश था. और इसकी इसी तरह से हमारे विजेता टीम में मोहसिन और अन्य सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. हमारी इलेक्ट्रिकल जनरल की टीम का जोश देखते ही बनता था. उन्होंने पूरे मैदान में फील्डिंग से लेकर के बैटिंग और बॉलिंग हर क्षेत्र में बहुत अच्छा फाइनल में प्रदर्शन किया और ये काबिले तारीफ है. और मैं आगे भी उनके लिए आशा करता हूँ कि इसी तरह का प्रदर्शन बनकर रखेंगे और नेशनल लेवल तक वो जाके रेल्वे का नाम रोशन करेंगे. 10 दिवसापासून भुसावळच्या रेल्वे ग्राउंडवरती या ठिकाणी रेल्वेच्या मैदानावरती या ठिकाणी क्रिकेट या ठिकाणी सामना रंगलेले होते. विजेते या ठिकाणी झालेले आहेत, आनंदाचा क्षण या ठिकाणी दिसत आहेत. या ठिकाणी विजेते सर्व या ठिकाणी उभे आहेत, काही त्यांचे कॅप्टन, काही त्यांचे मार्गदर्शन उभे आहेत. मुझे बताइए कैसा लग रहा आज आपके, आपकी टीम यहाँ पे जीत गई? हमारी टीम हर साल यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है और तकरीबन सारे फाइनल्स उन्होंने खेली है और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस बार उन्होंने फाइनल जीता. और इस तरह के पार्टिसिपेशन की वजह से हमारी टीम के अंदर फिटनेस बढ़ा है, यंगस्टर्स काफ़ी आगे आए हैं और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से इस ग्राउंड से नेशनल प्लेयर देंगे. क्या लगता है आपको आज, कितना खुशी आपको? हमें तो बहुत खुशी. आज हम पिछले 2-3 साल से फाइनल में जा रहे हैं लेकिन कभी फाइनल के जीत नहीं पाए, लेकिन आज हमारा लक अच्छा रहा और हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की, इसके कारण हम फाइनल विजेता रहे. क्या लग रहा है आपको? हमें लग रहा है कि जो फाइनल हम नहीं जीत पाए थे, तीन बार जो फाइनल हमें आए, लेकिन इस बार जो फाइनल जीतने के लिए हमने कड़ी मेहनत की, इसका नतीजा फाइनल जीत पाए. सर, कड़कड़ त्या ठिकाणी मेहनत केलेली आहे, जनरल साहेब मला काय वाटतं त्या ठिकाणी, किती आनंद त्या ठिकाणी? सर, पहिल्यांदा हे सांगतो की हे जे टूर्नामेंट ऑर्गनाइज केलं होतं ऑल इंडिया एस सी एस टी रेल्वे एम्प्लॉईज भुसावळ मंडळतर्फे केलं होतं आणि ह्या दुसरं वर्ष आहे आणि ह्या टूर्नामेंट जो आयोजन केला तो आम ते विशाल खरे आमचे
सेंडब्ल्यू मेकॅनिकल ब्रँचचे कार्यकर्ते त्यांनी खूप मेहनत केली, त्यांच्या टीमने खूप मेहनत घेतली आणि हा टूर्नामेंट जो आहे हा सक्सेस केला आणि सर्व अधिकारी या टूर्नामेंटला चीफ गेस्ट म्हणून होते. आणखी सर्व अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होते, टूर्नामेंट जिंकलेली एक आनंदाचा वातावरण ठिकाणी दिसून राहिलेला आहे. दर सालप्रमाणे घेतलेला टूर्नामेंट ठिकाणी हा चौथा वर्ष होता, एकदा पाचव्या वर्षामध्ये याहून सुद्धा ठिकाणी महाराष्ट्र भुसावळ.